अब ये हम छोटे बच्चे के लिए 4 साल के 5 साल के बच्चे के लिए बाथ गाउन बना रहे हैं, जिसकी जिसके लिए कि मैंने टॉवल ली है 65 इंच लंबी है और 33 इंचेस चौड़ी है, ठीक है। इसका मेजरमेंट मैंने इस तरह से लिया है कि वहाँ से मैंने ये इस तरह से ले लिया है, एक टॉवल के ऊपर इस तरह से रख दिया है आधा इंची का ये, और ये यहाँ से मैंने मेजरमेंट कर लिया है, उससे लिया है। ये मैंने इसलिए इस तरह से लिया है कि ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट में आएगी। आप लेना चाहो ऐसे भी ले सकते हो, काफ़ी टॉवल लंबी चौड़ी है, लेकिन इस तरह से ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट में आएगी, तो उसी हिसाब से मैंने इसको लिया है। मैंने इसका मेजरमेंट लिया है कुर्ते का, देखिए ऐसे, ये जो है बंद साइड से हमको रखना है, ये डबल टॉवल है, बंद साइड से रखना है। अब ये हमने यहाँ से इतना ले लिया है और यहाँ से हमने टॉवल मोड़ लिया है, जितना हमारा अभी ये जो हमारा ये मेजरमेंट था उतना हमने मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है, क्योंकि ये फिटिंग की नहीं होती है कभी भी, तो ये हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, थोड़ा सा कम ले लेते हैं, इस तरह से रखेंगे इसको हम, और हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे, जो सेंटर का जो हमारा है एक के ऊपर एक आ जाएगा, ये जो सेंटर है हमारा ये टॉवल का, ये हमारा एक के ऊपर एक आ जाएगा इस तरह से, ऐसे। फिर हम मेजरमेंट कर लेंगे इसका, कोई भी अपना फैब्रिक जो बच्चों का फैब्रिक जो है डिज़ाइन जो भी कपड़ा है फैब्रिक इसका जो फिटिंग का है या जो भी उसको ढीला है थोड़ा सा, तो उससे भी ढीला लेंगे हम। ये हमने 4 इंची ढीला लिया है, जिसके अंदर से कि 1 इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसके अंदर हम पाइपिंग लगाएंगे अंदर, क्योंकि ये जो टॉवल है ये कभी निकले ना और भिड़े ना, इसके लिए हमें काफ़ी देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ से हम 1 इंची हमारा सिंगल उसमें जाएगा, और ये 4 इंची का हमने एक्स्ट्रा लिया है, और अभी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, ये हमने आमोल लिया है यहाँ से, छोटे बच्चे का आमोल तो छोड़ा ही होता है, ये देखिए 5.5 लिया है, और ये शोल्डर है हमारा, शोल्डर हमने 4.5 लिया है, और जो हमने नेक की जो गहराई है ये नेक की गहराई हमने एक डेढ़ इंच लेनी है, और यहाँ से हमने 3 इंची है, ये देखिए 3 इंची है, इसको हम कट कर लेंगे अभी, और ये आधा इंच की गहराई भी देंगे हम ऊपर से, ये शोल्डर की हम अभी इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने कट कर लिया है ये पीस को पूरा पीछे से, अब ये हम फ्रंट को और बैक को अलग अलग कर लेंगे। नेक में मैंने जो कटिंग की है वो एक इंच की है, 1.5 इंच की, ये हमने 3 इंच ही रखा है, 3 इंच, और यहाँ से हमने 7 इंचीज का मेजरमेंट लिया है, यहाँ से 7 इंचीज, तो अभी भी यहाँ से 7 इंची पर कट कर देंगे। ये आगे का क्वेश्चन है, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे की गहराई देंगे, आधा इंच की नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन देते हैं इसलिए दे देते हैं।
ये फ्रंट हमारा तैयार हो गया है। अब ये हम कैप बनाएंगे जो हम ऊपर लगाते हैं। ये हमारी 9.5 है इसकी लंबाई, हमने 13.5 रख ली है और इसका जो हमें इसकी चौड़ाई है 7.5। अभी हम इसके अंदर एक स्टेप कट करके लगाएंगे जो डिज़ाइन बनाएंगे हम इसकी। और आर्म होल हमने उसी साइज का रखा है 7.5, ठीक है। अब इसको हम कट करके हटा दिया। अब हम ये जो बाथ गाउन है इसका जो कैप है हम इसको बनाएंगे। ये हमारा नैपकिन है, ये मेरा ना हैंकी है, ये हैंड टॉवल है। तो ये इसकी जो चौड़ाई है ये 12 इंची है और इसकी जो लंबाई है पूरी लेंथ है ये 9 इंची है। इसको मैंने इस तरह से मोड़ लिया है, इस तरह से मोड़ लिया है। और अब मैं इसको यहाँ से जितना राउंड हो जाए उतना मैं इसको राउंड करूँगी इस तरह से। यहाँ से मैं ये राउंड करूँगी, ये कैप बनेगी मेरी आगे फ्रंट की। तो ये मैं इसको यहाँ से राउंड करके मैंने इसको यहाँ से पिनअप कर दिया है। अब इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। ये अभी मैंने यहाँ से कट कर दिया है और मैंने इसको यहाँ पे पिनअप कर दिया है। तो और इसको ये हम इस तरह से स्टिच करेंगे बाथ गाउन के अंदर। यहाँ से हम इसको स्टिचिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे बढ़ाएंगे। अभी हम अभी मैं आपको इसका फ्रंट का जो है कॉलर, यहाँ जो कॉलर लगेगी यहाँ पे आगे उसकी कटिंग बताती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास चावल में से बचा हुआ पीस है। ये इस तरह से हम ये हमारी कॉलर होगी जो हम फ्रंट में लगाएंगे। दोनों का मेजरमेंट एक ही है। ये देखिए, ये 3 इंची है और हम इसको यहाँ सीम अलाउंस पे ले जाएंगे तो ये हमारा 2.5 रह जाएगा। ये इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे आगे की तरफ। ये देखिए, यहाँ फ्रंट में हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अभी मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से शोल्डर की स्टिचिंग कर दी है और इसकी नेक जो है वी शेप है। और ये मेरी कैप है जो मैं इसमें स्टिच करूँगी, इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब इसको मैं यहाँ पर लगाऊँगी, जो स्पेस बचेगी उसके अंदर मैं ये जो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है दोनों पीस है, ये दोनों तरफ लगेंगे। ये जो कॉलर लगेगी इस तरह से ये दोनों तरफ लगेगी। पहले मैं इस कैप को यहाँ से स्टिच कर लेती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी फिनिशिंग कर देती हूँ ये जो कटिंग करके, फिर उसके बाद हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। ये देखिए, मैंने पूरी यहाँ से पिनअप कर दिया है। ये देखिए, ये कैप है, इसको मैंने स्टिच कर दिया है। अब मैं इसको मशीन से लगाऊंगी, ये कैप इस तरह से लगेगी। इसका सेंटर है, इसके नीचे वाले के सेंटर से मैंने कैप का जो मैंने ये जोड़ लगाया है ये इसके साथ सेंटर में जोड़ दिया है मैंने। ये इसके अंदर मैंने अभी थोड़ा डेकोरेशन अभी एक कोनी कर दिया है, अभी और मैं इसमें डेकोरेशन करूँगी वो बाद में करेंगे हम। इसको भी स्टिच कर देती हूँ।
ये इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं कैप के जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये सैटन रिबन लगा रही हूँ, जिससे कि इसका डेकोरेशन अच्छा हो जाए और गेटअप अच्छा आएगा। ये देखिए, ये मैंने कैप की स्टिचिंग कर दी है यहाँ से पूरी, और ये यहाँ पर मैंने इसके अंदर लेस लगा दी है। अभी मैं इसके अंदर यहाँ पर ये कॉलर लगाऊंगी, यहाँ से अटैच करते हुए इस तरह से अटैच करूँगी मैं, फिर उसके बाद फिनिशिंग लाने के लिए इसको मोड़ के इस तरह से सिलूंगी मैं। ठीक है, आइए मैं आपको पिनअप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ये आर्म होल सिल दिया है मैंने इसका, और ये इसकी बाजू है, बाजू में मैंने ये लेस लगाई है, ये जो सैटन रिबन लगाया है यहाँ पे, और इसको मैंने 1 इंच की मोड़ दिया है, 1 इंच की स्टिचिंग कर दी है इधर से, ताकि ये मुड़ा रहे परमानेंट। ये देखिए, यहाँ से ये परमानेंट इस तरह से ये मोड़ देंगे, तो ये इसमें ऐसे ही किया जाता है, अच्छा लगता है। और ये मैंने साइड से भी स्टिचिंग कर दी है, और ये मैंने यहाँ से भी स्टिचिंग कर दी है, और ये कैप भी अटैच हो गई है, और ये मैंने जो कॉलर है वो मैंने इसको यहाँ से स्टिच कर दिया है पूरा, तो ये कोई गोल नहीं था, मैंने इसको गोल स्टिचिंग कर दिया है। ये देखिए, ये मैंने गोल इसको स्टिचिंग कर दिया है, और यहाँ इस कैप के साथ अटैच कर दिया है। ये देखिए, ऐसे इस कैप के साथ अटैच कर दिया है ये, उसके बाद मैंने इसको सीधा कर दिया है, और यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। अब ये जो बचा हुआ है इसको मैं ऐसे करके मोड़ के अब यहाँ पर मैं स्टिच करूंगी, फिर ये यहाँ पर इस तरह से लुक आ जाएगा, इस तरह का ये लुक आएगा कॉलर का, ये पूरा। ये इधर भी ऐसे ही करना है, अभी ये भी ऐसे ही किया है मैंने दोनों साइड का, ये ऊपर से मैंने राउंड कटिंग करके स्टिच किया है, फिर उसके बाद मैंने एक तरफ की यहाँ से मैंने ये कैप के साथ ये अटैच, साथ में अटैच किया है, इसके साथ स्टिचिंग हो गई है। अब इसको यहाँ से जरा सा मोड़ के इस तरह से इसको मोड़ देंगे। अभी ये जो हमने स्टिचिंग की है इसमें कैप और कॉलर दोनों अटैच हैं, और ये जो हमने यहाँ से सिलाई किया है, अब यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ देंगे, फिर यहाँ से जो हम स्टिच करेंगे फिर ये हमारी कॉलर तैयार हो जाएगी। अभी मैं इसको स्टिच कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिए, ये मेरा वीडियो तैयार हो गया है। आप ये देखिए, मेरा ये बाथरोब कैसा लग रहा है। ये छोटे बेबी बच्चे के लिए है, और आप अगर आप मेरी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैं आपके लिए ऐसी ही डिफरेंट चीज़ें लेकर आऊँगी। थैंक यू, बाय।
अब ये हम छोटे बच्चे के लिए 4 साल के 5 साल के बच्चे के लिए बाथ गाउन बना रहे हैं, जिसकी जिसके लिए कि मैंने टॉवल ली है 65 इंच लंबी है और 33 इंचेस चौड़ी है। ठीक है, इसका मेजरमेंट मैंने इस तरह से लिया है कि वहाँ से मैंने ये इस तरह से ले लिया है, एक टॉवल के ऊपर इस तरह से रख दिया है आधा इंची का ये, और ये यहाँ से मैंने मेजरमेंट कर लिया है, उससे लिया है। ये मैंने इसलिए इस तरह से लिया है कि ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट में आएगी। आप लेना चाहो ऐसे भी ले सकते हो, काफ़ी टॉवल लंबी चौड़ी है, लेकिन इस तरह से ये जो डिज़ाइन है ये फ्रंट में आएगी, तो उसी हिसाब से मैंने इसको लिया है। मैंने इसका मेजरमेंट लिया है कुर्ते का ऐसे, ये जो है बंद साइड से हमको रखना है, ये डबल टॉवल है, बंद साइड से रखना है। अब ये हमने यहाँ से इतना ले लिया है और यहाँ से हमने टॉवल मोड़ लिया है, जितना हमारा अभी ये जो हमारा ये